मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का हिस्सा हाँ बचपन से तैसा मैं हमेशा सबको कहता हूं कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। ठीक है, मैं अपनी मामा से बात करता हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी मामा से बात की है? नहीं, ऑफ कोर्स किए। एक तुम ही हो जिसने इस बात को इतना सीक्रेट बनाया हुआ है। मैं तो कब की बात कर चुकी हूँ। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी मामा से बात करके ना कोई डेट फिक्स करवा लेता हूँ। Then, तुम भी अपनी मामा से बात कर लेना, ठीक है? हीना को ना मुझसे बहुत अच्छा लड़का लगता है। अजान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी फुप्पो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो फुप्पो को छोड़ देना प्लीज। मेरे लिए बहुत अजीज है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, फुप्पो की वजह से मैं अपने 4 साल कमिटमेंट तो नहीं तोड़ सकता ना। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मेरा ये आखिरी फैसला है, दैट्स इट। लेकिन बेटा, तुमको ये भी तो मालूम लेनी है ना कि इस बार शेख साहब की फैमिली आई क्यों नहीं है। मामला को सॉर्ट आउट करो कटो मां के साथ। और अब हमें तुम ये बताओ कि तुम नूर के घर हमें कब लेके जाओगे? आपको इस बात की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी है मामा। देखिए मामा, नूर के कजन का उसके लिए प्रपोजल आया है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक आम से घराने की आम सी सूरत वाली लड़की के लिए भी बहुत से उम्मीदवार हैं। मैं तो समझती थी कि एक मेरा ही बेटा है बेवकूफ, अकल से पैदल। मामा प्लीज, मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि मैं पसंद करता हूँ उसे। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं ना कि हम फौरन वहां जाकर बात पक्की करके आ जाते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, मैं नूर को इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। क्या जल्दी होगी? मेरी बात को समझो। इस मामले को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना, उतना अच्छा है। प्लीज रिलैक्स। बस करो मेरी चमन। क्यों तुम रो रो के अपने आप को अलकान कर रही हो? अजान कोई इस दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं है ना? अबे मेरी बेटी में आखिर क्या कमी है? अजान से अच्छे अच्छे लड़के जो है ना, नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छा लड़का, नहीं चाहिए मुझे उससे कोई बेहतर रिश्ता। मुझे चाहिए तो वो सिर्फ अजान चाहिए। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? उससे मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी, आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप प्रॉमिस करें कि आप मामू से बात करेंगी, उन्हें समझाएंगी। बचपन से लेके आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो फिर ये क्यों नहीं? आप बात करें। बेटा अजान कोई तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, जूता, बैग या सूट नहीं है जो मैं तुम्हें लाके दे दूं? जीता जागता इंसान है वो, जो किसी और को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। इन सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे पसंद करती हूँ, आप बात करें उससे। आपने मुझसे कहा था ना कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अब मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आजान क्यों नहीं? मैं नहीं होना चाहती उस बात के लिए। आपने बताया नहीं कैसे लगे आपको ये सारे कपड़े? सारी शॉपिंग तो आपने एक ही दिन में कर डाली। सारी कहां से? सिर्फ 10 जोड़े लिए, अभी तो सैंडल्स, ज्वेलरी, बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, मेकअप के लिए मैंने हमना से कह दिया, वो नूर के हिसाब से ले लेगी खुद ही। मामा ये सारे कलर्स डार्क कलर्स हैं, वो नूर को लाइट कलर पसंद है। क्या हो गया तुम्हें? नई नवेली दुल्हन भला हल्के रंगों में अच्छी लगेगी क्या? अरे यही तो दिन होते हैं, शौक और काम वाले कपड़े पहने जाते हैं शादी के बाद। और ये सारा कुछ तुम्हारी फुप्पो की पसंद है, उनसे ज्यादा फैशन का किसी को क्या पता होगा भला।
बेटा ये लेडीज डिपार्टमेंट है और इसमें दखल देना बिल्कुल मना है। बनाने तो अपनी अम्मा को जो ये बना रही हैं, और वैसे भी इकलौती बहू है तो ये सारे अरमान तो नूर पर ही पूरे होंगे ना। हाँ, और हमना की ग्रेटनेस देखो, शादी, वलीमा, मेहंदी की सारी ब्राइडल सर्विसेज और मेकअप का पैकेज शीना सैलॉन की तरफ से बिल्कुल फ्री गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। बदल कर रख देगी वो तो नूर को। अच्छा है ना भाई, आम सी शक्ल सूरत की लड़की जरा वलीमे और शादी के दिन तो स्टाइलिश लगे ना, खूबसूरत तो लगे। कम देख तो लिया करो, बेटा खड़ा हुआ है, बेटे के सामने बोले जा रही हो। इकलौता बेटा है, जवान बेटा है, कुछ तो ख्याल करो, उसकी पसंद है वो। ऐसा क्या कह दिया मैंने, सच ही तो कहा है। कौन सी हूर परी है वो वैसे भी। ठीक है, आप भी ना बस। फातिमा ये कपड़े ले जाओ, सारे अंदर रख दो जाकर रूम में। शीना बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ ना, मेरी बात तो क्या सुनो। मैं आपको अपनी बेटी का एहसास है नहीं है ना? अगर एहसास होता ना तो आप उस लड़की को यहाँ आने का कभी नहीं कहते। उसको यहाँ बुलाकर अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाना चाहती हैं, मजीद मुझे तड़पाना चाहती हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें अपनी मामा पे भरोसा नहीं है? नहीं है मुझे भरोसा कि मैंने आप पे भरोसा किया। गलती हो गई मुझसे, खुद ही कुछ कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। कितने हम झूठे दिलासे देंगी, बस कर दें, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। आप जाएं अपने भाई और भाभी के पास, उनकी मेहमान बन जाए जाकर। अब उनका साथ, मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। नीली ये सारे काम छोड़ दो, नूर आने वाली है। नूर? हाँ, अजान की मंगेतर, बताया तो था तो मैं भूल गई हो। मैंने ना उसे अपने सलोन पे ब्राइडल पैकेज दिया है, आज तो वो सिर्फ फेशियल के लिए आ रही है, तुम देख लेना। एक सेकंड। हेलो, मैंने कहाँ होना है, सलोन पर हूँ। हाँ बस नूर का ही इंतजार कर रही हूँ मैं, अभी तक तो नहीं आई है। मेरी बात हो गई है, पैरी थी बस पहुंचने वाली है। उमा डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी उसका, चलो बाय। अच्छा नीली ये बताओ, वो जो क्रीम्स एक्सपायर हो गई थी जी। वो मैंने तुमसे रखवाई थी ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, तो वो ले गया? मैम वो तो तब से आया ही नहीं, यही ड्रॉर्स में रखी हुई है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा नीली सारे काम छोड़ दो, ये है नूर मेरी होने वाली बहू। तुमने ना इसका अच्छे से फेशियल करना है, और वो जो मैंने सारी क्रीम्स निकाल के रखी है ना, डोंट वरी सारी इम्पोर्टेड है, वो ही इस्तेमाल करनी है तुमने, समझी ना? कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, तुम कुछ चाय कॉफी लोगी? नहीं नहीं, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ, थैंक यू। तो फिर एक काम करते हैं ना, तुम अपनी सारी सर्विसेज करवा लो, उसके बाद लंच पे चलते हैं, ठीक है ना? जाओ जाओ जल्दी से इसको संभालो। हाय मैम। किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए नीली। मैम कौन सा फेशियल करना है? तुम बताओ। व्हाइटनिंग? एग्जैक्टली, व्हाइटनिंग ही करना है। ये नई क्रीम आई है, बिल्कुल नया फॉर्मूला है, तुमने यही यूज करनी है, ठीक है ना? डन मैम।
अच्छा वो मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना वो सारी कैंसिल कर दो, सवाए मिस्टर शहराजी के और वो खालदा आती है ना उसके, ठीक है? एक तो अजान फोन नहीं उठाता है। ये मेरी स्किन क्यों रेड हो रही है? इरिटेशन भी हो रही है। मैम वो पता नहीं, शायद पहली बार आपने फेशियल करवाया इसलिए, कभी कभार हो जाता है। मैं सनब्लॉक लगा दूं? वो तो है मेरे पास। अरे नूर दिखाओ, माशाल्लाह कितनी ग्लो कर रही है। नीली गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा सॉरी बेटा, वो मैंने लंच का प्रॉमिस किया था ना तुमसे, लेकिन जा नहीं पाऊंगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे भी बुटीक जाना था, अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम निकलो, लेकिन कल इसी वक्त आ जाना, सुबह सुबह क्लाइंट्स नहीं होते ना ज्यादा, तो आराम और तसल्ली से सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक। हाँ ये ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। नीवी तुम भी जाओ जाके वो जो हमारी क्लाइंट है ना चीमा, उनको अटेंड करो। जाओ। आपका ड्रेस दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई? नो मैम, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो हम घर भिजवा देंगे। अच्छा मैम, आपके चेहरे पे क्या हुआ है? ऐसा लगता है जैसे आपका चेहरा जल गया हो, क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ फेशियल करवाया था, शायद किसी प्रोडक्ट से रिएक्शन हो गया है, लग रहा है एलर्जी हो गया है ना। जी यही लग रहा है। उन्होंने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं इस्तेमाल कर लिए होंगे? यही लग रहा है। चलिए खैर मैं चलती हूँ, थैंक यू। जी अम्मी। जी फेशियल तो हो गया है, लेकिन अम्मी चेहरे पर ना अजीब से निशान पड़ गए, जलन भी हो रही है, मेरे ख्याल में मुझे वापस सैलून जाना चाहिए। जी थोड़ी देर हो जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। एक काम करो तुम, मैं तो रात तक पार्लर पे बिजी रहूंगी, तुम शीना को घर से पिक करो और उसे बुटीक पे ले जाओ, उसने वो नूर का वेडिंग ड्रेस उठाना है ना, वो लेके फिर यहीं आ जाना। ओके ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पप्पू, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही थी लेकिन तुमने कॉल उठाई नहीं, नूर यहीं आई हुई थी, सच बताऊं बहुत प्यारी लग रही थी, तुम देखना इंशाल्लाह शादी वाले दिन मैं उसको खुद तैयार करूंगी, इतनी हसीन लगेगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। थैंक यू सो मच पप्पू, सच कहूं तो ये आपकी मोहब्बत है, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूर बहू है मेरी, क्लोती बहू, चलो जल्दी आ जाओ। ओके बाय। ओके बाय, अब मैं आ रहा हूं। क्या बकवास कर रही, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, यहाँ से जाते ये हाल कर दिया आपने मेरा, तो कोई ना कोई तो मसला है ना आपके प्रोडक्ट्स में। नूर बेटा कैसी बातें कर रही हो, 25 साल से मैं ये सलून चला रही हूँ, आज तक किसी क्लाइंट ने कोई कंप्लेन नहीं की, और मेरी ये लड़की नीली ये हमारे सलून की सबसे एक्सपर्ट लड़की है, इसी ने किया था ना तुम्हारा फेशियल। देखो बेटा, I'm pretty sure कि जो तुम ये गोरा करने वाली क्रीमें लगाती हो ना,
उन्हीं की वजह से तुम्हारी स्किन बर्न हो गई है। अब बिल्कुल ठीक है रही मैम। जिन लड़कियों को रातों रात गोरा होने का शौक होता है ना, वो कुछ भी लगा सकती और इल्जाम किसी और पर डाल दी। शट अप! मुझे कोई गोरा होने का कॉम्प्लेक्स नहीं है और ना ही मैंने कोई क्रीम्स लगाई हैं। ये सब आपकी गंदी और घटिया साजिश है ना, मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए, ताकि आप अजान की शादी अपनी बेटी से करवा लें। इसलिए बुलाया था ना आपने मुझे यहाँ सर्विसेज देने के लिए। ठीक, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझी आपकी चलाकियाँ। अजान, अजान देखो मेरा क्या हाल कर दिया तुम्हारी फूफो ने। क्या बकवास कर रही है तुम? वो ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों करेगी वो? क्योंकि तुम्हें याद है, तुमने ही तो मुझे बताया था कि पप्पो चाहती है उनकी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, नफरत करती है मुझसे। मामा, देखा आपने, जिसको आप बहू बनाना चाहती थी, जिसको आपने इतनी इज्जत दी, उसने आपके साथ क्या किया? अजान बेटा, तुमने सुन लिया ना उसकी बातें? ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं ये सलून 25 साल से चला रही हूँ बेटा। तुम तो इस लड़की की बहुत तारीफें करते थे। ये पढ़ी लिखी है, तमीजदार है, अकलमंद है, लेकिन ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। ये हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इसकी स्किन बर्न कर दी, हालांकि इसने खुद मुझे बताया था कि ये वो गोरा करने की क्रीम्स यूज करती है। मैंने मना भी किया था। अब तुम्हारे सामने है ये रिजल्ट। ये झूठ बोल रही है अजान। मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कोई क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करती। नहीं होना मुझे गोरा। ये मेरे साथ चलाकी कर रही है अजान। मेरे यकीन करो, तुम जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं अजान, ये झूठ बोल रही है। नीली, नीली से पूछ लो तुम। नीली बताओ अजान को, इस लड़की ने खुद मुझसे कहा था ना कि ये वो गोरा करने वाली क्रीम यूज करती है। हाँ हाँ, मैडम सही बोल रही हैं। ये रातों रात रंग गोरा करने वाले। बकवास मत करो, झूठ बोल रही हो तुम। तुम सब मेरे, तुम्हें भी मिला दिया ना उन्होंने अपनी घटिया प्लानिंग में। सर, जस्ट इनफ। मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी पप्पू पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मुझे अंदाजा नहीं था तुम ऐसे भी निकलोगी यार। थैंक गॉड के शादी से पहले तुम्हारी असली पता लग गई। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अरे, जो लड़की मेरी पुप्पू को ब्लेम कर सकती है, कल को मेरे माँ बाप को भी ब्लेम कर सकती है। अजान, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन कर। तुम तो जानते हो ना मैं झूठ तो नहीं कहती। ये इन सब की साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। Get out. I said just get out of my life. बस बेटा, संभालो अपने आप को। जो कुछ हुआ है उसका अफसोस मुझे भी है। नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन अच्छा हुआ अल्लाह ने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। वक्त से पहले हमें पता चल गया। इसमें ही तुम्हारी बेहतरी होगी बेटा। देखो ना, तुम आ गए और तुमने खुद अपने कानों से सारी बातें सुन ली। झूठे का झूठ जरूर सामने आता है बेटा। नहीं नहीं भाईजान, आप अजान की शादी कैंसिल नहीं करेंगे और ना ही डेट्स आगे पीछे करेंगे। जो डेट्स आपने सारी दुनिया को बताई है ना, उसी डेट पे शादी होगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं हमना, तुमने मेरी इज्जत रख ली। भाईजान, आपकी इज्जत से बढ़के मेरी ईगो नहीं है। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तुमने मेरा मान रखा है। एक काम करते हैं ना कि आज का डिनर तुम्हारी तरफ करते हैं, ठीक है?
फिर वहीं बैठकर फिर आगे का लायमल तैयार करते। जैसे आपकी मर्जी भाईजान। ठीक है, फिर मैं अपने भाई भाभी और भतीजे का डिनर पे इंतजार करूंगी। ओके, तो फिर खुदा हाफिज, डिनर पे मुलाकात होती है। मुमना, एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस करें भाईजान, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने ही तो बुरे वक्त में काम आते हैं। खुदा हाफिज। अब समझ आया मुझे कि आपने वो डार्क कलर्स किसके लिए लिए थे। मेरे लिए ना। You're the great. बस बेटा, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी किसी चीज की ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरा ना करूं? नामुमकिन है। एनीवेज, डिनर के लिए तैयारी कर लो बस। अब मेन्यू देख के बता दो क्या चीजें ऑर्डर करनी है, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। आज वो खानसामा भी नहीं है ना। बाय द वे, अजान को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, बाकी चीजें आप ऑर्डर कर दें। छोड़ो ना पुलाव बनाना, जो वक्त तुम पुलाव बनाने में लगाओगी ना वो पार्लर में लगा दो। जाके अपना कोई फेशियल करवाओ, स्किन क्लीनिंग करवाओ। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नीली से कह देती हूँ कि वो तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप भी कर दे, ताकि जब तुम्हें अजान देखे तो वो सिर्फ तुम्हें देखता रह जाए। अच्छा, मैं फ्रीजर से मीट निकाल दूं, लेकिन पुलाव मैं ही बनाऊंगी। टाइम नहीं है बेटा। अल्लाह, कितनी जिद्दी लड़की है ये। मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है, बस अजान के साथ शादी की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी उसकी, जिसका दुख मुझे चैन नहीं लेने देता। मगर अब मेरी अकलमंदी और चलाकी ने ये सारा मामला सुलझा दिया है। अजान तो बना ही सिर्फ और सिर्फ शीना के लिए था, और ये शीना भी अभी तक चूल्हे के सामने खुद को खपा रही होगी, बेवकूफ कहेंगी। जी मामा, क्या चूल्हा पड़ गया? और लेकिन वो किचन में क्या कर रही थी? अब आप लोग इस वक्त कहां पर हैं? आप लोग किस हॉस्पिटल में, मुझे बताएं प्लीज, मैं आ रहा हूं। जी जी, मैं आ रहा हूं। ओके। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा तू मान। ये सब कुछ मकफात है अमल, नूर की जिंदगी और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी। मैं तो अपने उसी का सिला मिला है मुझे, जो मिला है तूने दिया है, उसी का सिला ये सब। अल्लाह माफ कर दे, मेरी बेटी को माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, मेरी बेटी को माफ कर, मेरी बच्ची की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती, अल्लाह माफ कर दे बच्चा।